अस्सलाम वालेकुम, सादर स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं जफर बलोच। नाज़रीन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक जो चीज़ थी वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में, इनमें क्या फ़र्क है। तो आज मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में क्या फ़र्क है। इससे पहले कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन की बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो के वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में क्या फ़र्क है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये दो बॉल है जो दो के दो डिफरेंट कलर्स की है। ये बॉल अगर बंदा सोचा जाए तो ये बॉल एक कलर में भी हो सकती थी, एक है वाइट एक है रेड। इसमें फ़र्क क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं लोग, तो मैं आपको बताता चलूँ। ये जो वाइट बॉल है इसको कहते हैं रंगीन किट के साथ खेलते हैं, जिसको हम कहते हैं ODI, T20 या T10 लीग या जो सुपर लीग है, जो भी है उसके लिए वाइट बॉल यूज़ करते हैं। और जिसको हम कहते हैं टेस्ट क्रिकेट, जिसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल सफ़ेद होती है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेड बॉल। और इसके जो मैं कम्बिनेशन आपको बताता चलूँ, जो हम वर्दी जो यूनिफॉर्म जो भी किट्स पहन के खेलते हैं उसके जो कलर है वो बॉल से बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। अगर हम वाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमें रेड बॉल इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम रंगीन किट कोई भी पहनते हैं, व्हाट्सो एवर कोई भी कलर हो, आप रेड ले लें, आप कोई भी कलर किट की कलर ले लें, तो उसके लिए हमें वाइट बॉल यूज़ करने के लिए। और ये वजह क्या है, इसके रीज़न क्या है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैट्समैन होता है उसको जो क्लियर नज़र आ जाता है ना, वो बॉलर की जो वर्दी है या उसकी जो किट है उससे बॉल बिल्कुल डिफरेंट नज़र आनी चाहिए, ताकि अगर उसकी बॉडी से बॉल रिलीज़ हो ना तो बैट्समैन को क्लियर नज़र आनी चाहिए कि बॉल किस कलर का है। अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ कि इसी कलर की अगर हम किट भी पहने और इसी कलर के बॉल भी पकड़े यूज़ करें तो बैट्समैन को देखने के लिए काफ़ी दिक्कत साबित होगी। तो आज मैं फिर से आपको बताते चलो, इन दोनों बालों में और कोई फ़र्क नहीं है। ये जो वाइट बॉल है इस थोड़ा से इसको कहते हैं भारी बॉल है, वेट ज़्यादा है। जो रेड बॉल है इसकी थोड़ी जिन लाइट वेट है। तो ये दोनों के डिफरेंस है, ये कहें। अगर इसके मतलब कि आपकी कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपके बाकी सवालों का भी जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच।